डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए पहले आप, मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रही हूँ, इनको देखिए, फिर आप समझ पाएंगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए, ये मेरे पास क्या है, दो पेंसिल। क्या है, दो पेंसिल है। तो ये एक पेंसिल देख रहे हैं आप, ये दूसरी है। तो इन दोनों में हमें कुछ अंतर लग रहा है ना, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये हम कलर से भी अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो क्या है, ये वाली छोटी है और ये लेंथ में बड़ी है। तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, यानी ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या हुई, उल्टी है ना, इनसे अपोजिट। क्या है, ये इनकी अपोजिट है, ये लॉन्ग, ये शॉर्ट। ऐसे ही मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये यहाँ पे मेरे पास दो बॉल है। ये अगर आप बोल देखेंगे तो ये साइज में स्मॉल है, ये साइज में बिग है ना। जो कोई चीज बड़ी होती है तो वो बिग, और छोटी है साइज में तो स्मॉल है ना। ये हम लेंथ के और उनके साइज के हिसाब से करते हैं। इसका साइज ज्यादा बड़ा है तो ये हमने बिग कर दिया, और ये स्मॉल, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट। तो आइए करते हैं ऐसे कुछ और अपोजिट वर्ड्स, जिससे हम सीख पाएंगे कि कैसे किस वर्ड का क्या अपोजिट होता है। आइए करते हैं हम अपोजिट वर्ड्स। जैसे बैड, बैड के लिए क्या इसका अपोजिट हो जाएगा, गुड। यानी बैड मतलब बुरा, गुड मतलब अच्छा। तो अच्छा का बुरा और बुरा का अच्छा, बैड गुड, गुड बैड। देन बिग स्मॉल, अगर कोई साइज में बड़ा है तो बिग, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मॉल। ऐसे ही स्मॉल के लिए अपोजिट क्या हो जाएगा, बिग। ये एक दूसरे के अपोजिट है। देन cry, laugh। cry मतलब रोना, चिल्लाना, laugh मतलब हंसना। तो हम हंसना का रोना भी करते हैं ना, तो cry, laugh। और laugh के लिए क्या हो जाएगा, cry। ये दोनों इसके लिए हो जाएंगे, cry and laugh। then sweet, sure। sweet का मतलब मीठी, कोई चीज अच्छी होती है, मीठी है ना, sure खट्टा, खट्टा मीठा होता है, तो मीठे के लिए खट्टा, sweet, sure। एक दूसरे के अपोजिट होगा। dry, wet। ड्राई मतलब सूखा, वेट मतलब गीला, तो वेट के लिए ड्राई और ड्राई के लिए वेट, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। देन स्ट्रॉन्ग, वीक। स्ट्रॉन्ग मतलब जो ताकतवर है, वीक मतलब जो कमजोर है, तो वीक के लिए स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग के लिए वीक, एक दूसरे के अपोजिट है। देन लाइट, डार्क। लाइट मतलब जो हल्का रंग में, और इसके लिए क्या, गहरे रंग के लिए क्या हो जाएगा, डार्क, और डार्क के लिए ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लाइट। देन हैवी, लाइट। ये हैवी वजन के लिए है और यहाँ लाइट हल्के के लिए है, तो हैवी का ऑपोजिट लाइट एंड लाइट का ऑपोजिट हैवी। देन सॉफ्ट एंड हार्ड। सॉफ्ट का ऑपोजिट हार्ड, सॉफ्ट मतलब कोई चीज नरम, हार्ड मतलब सख्त। हार्ड के लिए सॉफ्ट ऑपोजिट हो गया, सॉफ्ट के लिए हार्ड ऑपोजिट हो गया। फुल, एम्प्टी। कोई चीज भरी हुई है, ये फ्रूट्स की भरी हुई बास्केट है, इसके लिए ऑपोजिट क्या हो गया, एम्प्टी, और एम्प्टी के लिए ऑपोजिट क्या हो गया, फुल, एक दूसरे के ऑपोजिट हो। देन डर्टी, क्लीन। डर्टी मतलब गंदा, क्लीन मतलब साफ सुथरा, तो डर्टी का ऑपोजिट क्लीन, तो क्लीन का ऑपोजिट डर्टी हो गया, एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, डर्टी क्लीन, क्लीन का डर्टी। हैप्पी, सैड। हैप्पी मतलब खुश, और सैड मतलब दुखी, सैड के लिए हैप्पी, हैप्पी के लिए सैड। देन फास्ट, स्लो। कोई चीज जल्दी चलती है उसके लिए फास्ट, और स्पीड के लिए ये, स्लो के लिए फास्ट ऑपोजिट, और फास्ट के ऑपोजिट स्लो। देन ओल्ड, यंग। ओल्ड मतलब बूढ़ा, यंग मतलब जवान,